आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने 10 महीने की बच्ची जसवी यादव की जान बचाने के लिए देशवासियों से आर्थिक मदद की गुहार की है। जसवी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 1 नामक गंभीर बीमारी से पीड़ित है, जिसके इलाज के लिए आवश्यक इंजेक्शन की कीमत लगभग 10 करोड़ रुपए है। संजय सिंह ने इस अवसर पर कहा है कि जसवी के पिता प्रशांत यादव भारतीय वायुसेना में एयरमैन हैं और देश की सेवा कर रहे हैं। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनकी बेटी को बचाने में मदद करें। ये जो बच्ची आप उसकी माँ की गोद में देख रहे हैं, ये 10 महीने की बच्ची जसवी यादव, इसको ये नहीं मालूम कि ये कितनी गंभीर बीमारी से पीड़ित है। इस बच्ची को ये भी नहीं मालूम कि इसके डॉक्टरों ने देखने के बाद ये कहा है कि 2 साल से अधिक इस बच्ची का जीवन नहीं है, इसको बचाना मुश्किल होगा, क्योंकि इसको भी वही गंभीर बीमारी जिसके लिए मैं कई बच्चों के लिए अभियान चला चुका हूं, SMA Type 1, स्पाइनल मस्कुलर एट्रॉफी Type 1, यानी कि स्पाइनल मस्कुलर एट्रॉफी में भी सबसे गंभीर बीमारी जो होती है वो इस बच्ची को है। आप सबको याद होगा, मैंने देश की संसद में भी सरकार से अनुरोध किया था कि इसके लिए सरकार को कोई योजना बनानी चाहिए, अमेरिका की कंपनी, अमेरिका की सरकार से बातचीत करनी चाहिए, जो कंपनी इस इंजेक्शन को बनाती है नॉर्वर्टिस कंपनी के इंजेक्शन की कीमत 17 करोड़ रुपए की है और छूट के बाद, तमाम टैक्स वैक्स की छूट के बाद 10 करोड़ के आसपास में वो इंजेक्शन मिलता है। अब 10 करोड़ रुपए का इंजेक्शन किसी भी सामान्य परिवार के लिए, या मैं तो ये कहता हूं कि कोई मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास परिवार के लिए भी उसका इंतजाम कर पाना मुश्किल है, असंभव है। ऐसी परिस्थिति में जो बच्चे हैं उनके साथ क्या किया जाए, ये एक प्रश्न उठता है। लोग मुझसे भी कई बार कहते हैं कि आप ऐसे बच्चों के लिए जो अभियान चलाते हैं इसमें हासिल क्या होता है, तो मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से बता सकता हूं कि हासिल तो यह हुआ कि कई बच्चों के जीवन को बचाने के लिए इस देश के लाखों लोग आगे आए, उन्होंने अपना डोनेशन दिया और उसके माध्यम से उनके इंजेक्शन का इंतजाम हुआ और उनकी जान बचाई जा सकी। कनौ जांगड़ा आपको याद होगा, बच्चा था, एक छोटा बच्चा, ऐसे और भी बच्चे। लेकिन साथ ही साथ ये भी तय है कि अगर इसमें बढ़ चढ़कर लोगों ने सहयोग नहीं दिया तो पैसे का इंतजाम करना असंभव है। इस बच्ची के लिए बहुत सारे लोगों ने अब तक डोनेट किया है, लगभग 1,85,00,000 रुपए तक का डोनेशन आ गया है। 10 महीने की ये बच्ची है और डॉक्टरों ने कहा है कि 2 साल के पहले, 2 साल पूरा होने के पहले इसको इंजेक्शन लगना है, वरना इसका जीवन बचाया जाना मुश्किल है, असंभव है। इसलिए मैं इस देश के लोगों से हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं, इनके पिता जो बगल में बैठे हैं प्रशांत यादव जी, ये वायुसेना में एयरमैन हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। आज हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि हम इनकी बच्ची का जीवन बचाने के लिए आगे आए, और कोई बहुत लंबा चौड़ा प्रयास नहीं करना, आपको अपने खर्च से 100 रुपए, 1,000 रुपए, 10,000 रुपए, 1,00,000 रुपए, जिसकी जो क्षमता, मैं तो कह रहा हूं 50 रुपए, 10 रुपए, जिसकी जो क्षमता है, जैसे इनका 1,85,00,000 रुपए अब तक एकत्रित हुआ है,
और इस अभियान को तेजी से बढ़ा के आप लोग इसमें शामिल होके एक ऐसा नौजवान जो देश की वायुसेना में, भारत की सेना में अपनी सेवाएं दे रहा है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि आज हम प्रशांत की बच्ची को बचाने के लिए आगे आए। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।